because no one knows how to go with the सुननी है तो मैं उसके पास रहना पड़ेगा। वो तुझे बहुत ही बढ़िया भूत की कहानी सुनाएगा, तो चलो अभी हम उसके पास चलते हैं। क्या, तुम्हारा फ्रेंड? हाँ, क्यों, मेरा कोई फ्रेंड नहीं हो सकता क्या? ओके चलो लेट्स गो। यहाँ पे आओ बैठो, तुम दोनों, तुम आओ तो यहाँ बैठो, तुम दोनों बैठो। ये है मेरा फ्रेंड सीओ रूबियस। अच्छा, हेलो हेलो हेलो। तो सीओ, ये है मेरा दोस्त वाईडी। अच्छा, तो तुम हो जिसको कहानी सुननी है, लेकिन तुम दोनों को मैं पहले ही बता दूँ, ये कहानी बहुत ही हॉरर है। ध्यान से सुनना, बीच में कुछ भी मत बोलना, ठीक है? ठीक है, तो आज की यह कहानी हम शुरू करते हैं। ठीक है चलो, अब हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर मैंने तुम लोग को यह कहानी सुनाई तो कुछ यहाँ पे रूम में कुछ ऐसी हरकत होगी कि नहीं। ठीक है, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। रूम में
कहानी के बाद कुछ तो खराब होने वाला है। तो ये कहानी है आज से कुछ साल पहले की, जब कुछ बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। तो हुआ क्या कि एक आज सब लड़के रूम में बैठे हुए थे, बहुत ही आराम से सब लोग बैठे हुए थे। फिर तभी किसी ने अचानक जोर से ही जो गेट होता है उसको ऐसे नॉक नॉक किया, मतलब गेट को खटखटाया। फिर पता नहीं गेट पे कौन था, लेकिन क्या कि हॉस्टल का टाइम था, सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे रूम में, तो उसको इसका फ्रेंड ही था। लेकिन जब दूसरी बार डोर नॉक हुआ तब एक बच्चे ने वो डोर खोला, तभी देखा उसने कि बाहर कोई भी नहीं था, मतलब लिटरली कोई नहीं था बाहर। और फिर जब सब लड़के रूम में बैठे हुए थे तब किसी ने जो जो कि खिड़की होती है रूम की, वहाँ पर किसी ने पत्थर मारा, उसको जो खिड़की थी उसका कांच तोड़ दिया, मतलब समझ रहे हो धीरे धीरे खुद आगमन होने वाला है अभी यहाँ पे। तो फिर उसके बाद क्या, उसके बाद जब वो कांच टूटा उसके बाद सीधा वापस तो गेट था वापस नॉक नॉक हुआ, वापस देखा तो अचानक मतलब जैसे उसने गेट खोला सीधा उसके सामने एक कोई ब्लैक ब्लैक आ गई, ब्लैक ब्लैक आ साया आया, तो पूरे रूम में ऐसे घूमने लगा, चारों ओर घूमने लगा। सब लोग बहुत ही डर गए, पूरा डर का माहौल था यहाँ पे, सब लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से स्केयर हो गए। फिर तो क्या हुआ कि पूरी रात को जो भी बच्चे थे कोई भी सो नहीं पाए, जैसे पहली बार जिंदगी में उन लोगों ने ऐसा देखा था, कोई भी सो नहीं पाया। फिर अगले दिन सब लोग उठे, कॉलेज गए, फिर वहाँ से कॉलेज से वापस आए तो उन लोगों ने देखा कि कोई तो उन्हें पीछे चुप चुप के देख रहा है। फिर क्या हुआ कि जो उसकी जो हॉस्टल थी जहाँ पे सब लोग सब बच्चे रह रहे थे, उसके सामने बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी जो कि पिछले 5 सालों से बंद पड़ी थी, मतलब ऐसी खंडरे होते हैं ना, खंडरे हो चुकी थी, बिल्कुल खराब हो चुकी थी पड़े पड़े। तो फिर क्या हुआ कि एक जब रात को 1:30 बजे एक बच्चा उठा पानी पीने के लिए, तो उसने देखा कि वो जो सामने वाली बिल्डिंग जो कि पिछले 5 साल से बंद थी, वहाँ पे ऊपर उसकी छत पे 3-4 लोग ऐसे घूम रहे थे, पता नहीं कौन थे वो। तो फिर उस बच्चे ने उन सबको, मतलब कि जो हॉस्टल में सब लोग सो रहे थे, उनको जगाया और उनको दिखाया कि वो देखो सामने कोई तो, सामने छत पे कोई तो है, जो कि मुझे भी दिखा था थोड़ी देर पहले, 3-4 घंटे 3-4 लोग थे पहले। तो जो कि जितने हॉस्टल जितने भी बच्चे थे हॉस्टल में उन सब ने उसको देखा कि वहाँ पे कोई तो है। उसके बाद फिर एक दिन एक बच्चा रात को पानी पीने के लिए उठा, तो उसने देखा कि पीछे से मुझे किसी लड़की की आत्मा थी, वैसे उसको ऐसे देख रहे थे, ऐसे उसको घूर रही थी, ऐसे ही छोड़ो उसको। तो उसने देखा कि उसे वो आत्मा देख रही थी और घूर रही थी। तो फिर उससे क्या हो गया, वो बच्चा जैसे पानी पीकर वापस अपने रूम में गया तो 4 से 5 आत्माओं ने मिलकर उसे मार दिया, बहुत ही खराब तरीके से उसे मार दिया, पूरी के आँख उसकी नोच ली, मतलब कि उसके बाल सारे बिखर गए, बाल सारे काट दिए थे, जीभ बाहर आ गई थी, पूरा खून खून हो चुका था। तो उन सब ने मिलकर उसे मार दिया। फिर क्या हुआ, फिर तो पूरे हॉस्टल में खौफ उसका जो फैल चुका था कि ये आत्मा बहुत ही खतरनाक है, सब बच्चों को मार रही है। ऐसे करके फिर 3 से 4 खून पूरे हॉस्टल में 3 से 4 बच्चों को आत्मा उन्हें मिलकर मार दिए। फिर तो जो कि जो पूरा हॉस्टल था वो बहुत ही खतरनाक खौफ के मंजर में झूल रहा था, क्योंकि आत्माओं उन्हें बहुत ही जल्दी मार रही थी और बहुत सारे बच्चों को मार भी दिया था आत्माओं ने मिलकर। ये जो कुछ भी हॉस्टल में हो रहा था, इन सब हॉस्टल में जितने भी वो बच्चे थे उसमें से एक बच्चा बहुत ही होशियार था, उसने इन सबको रोकने के बारे में सोचा। तो क्या उसका माइंड बहुत तेज था, उसने सोचा कि मैं इन सबको रोक सकता हूँ बढ़िया से, क्योंकि ऐसे सीधे ही कुछ ही दिनों में पहले कुछ था नहीं, क्योंकि ये सब इतनी जल्दी ये सब कुछ होने लगा तो इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है। तो उसने सोचा कि मैं इन सबको रोकूंगा। तो अभी लेकिन वो कहते हैं ना हमारे में कि सब बुरी आत्माओं के बीच में एक अच्छी आत्मा भी होती है, तो वो वही अच्छी आत्मा थी। तो फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद रात हो गई, फिर रात को वो सामने वाली बिल्डिंग थी जहाँ पे आत्माओं का बसेरा था, वो वहाँ पे एक फ्लोर के ऊपर होते हैं ना फ्लोर, वहाँ पे एक फ्लोर की लाइट अचानक से ऑन हुई, लाइट अचानक से वो लाइट वहाँ पे ऑन हुई। तो क्या बोलते हैं, वो जो अच्छी आत्मा थी, मतलब कि जो कि उनमें सिर्फ एक ही अच्छी आत्मा थी, पाँचों के पाँचों तो नहीं थी, अच्छी आत्मा ने वो जो सामने बता उसको संकेत दिया। उस बिल्डिंग की जो दीवार थी वहाँ पे लिखा हुआ था ऐसे गोल में पोर्टल, और वहाँ पे लिखा नीचे द रिचुअल ऐसा लिखा हुआ था, पोर्टल द रिचुअल ऐसा लिखा हुआ था उस बिल्डिंग की, वो जो बिल्डिंग थी वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था।
तो उस बच्चे ने दिमाग लगाया कि इसका कुछ तो संकेत मेरे को मिल रहा है, तो फिर कुछ तो इसका क्लियर हो सकता है, मुझे इस कहानी को एक्सप्लोर करना चाहिए और इन सब पेज को खत्म करना चाहिए, ऐसा उस बच्चे ने सोचा। तो था उसने रिसर्च की उस कहानी का, मतलब ये जो भूत पे छुपा हो रहा था हॉस्टल में, उस पर उसने रिसर्च किया और एक पुरानी सी लाइब्रेरी थी वहाँ पे गया वो, और वहाँ पे लिखा हुआ था पोर्टल रिचुअल की बुक उसको मिली, मतलब जो बुक होती है उसमें सारे पोर्टल रिचुअल का सब कुछ लिखा होता है, मतलब जो उस बच्चे को जो बिल्डिंग की जो दीवार पर जो क्लू मिला था पोर्टल लिखा हुआ, वही बुक उस बच्चे को वहाँ से मिली, मतलब कि वो जो बच्चा था वो भी वो जो बुक मुझे सब कुछ ढूंढेगा, वो जो पोर्टल जो रिचुअल लिखा हुआ था वो कुछ इस टाइप से लिखा हुआ था कि इस गोल में पोर्टल फिर लिखा लिखा नीचे रिचुअल द रिचुअल पोर्टल द रिचुअल। और अब तक वो जो आत्माएं थी उन्हें ये पता लग चुका था कि ये बच्चा हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जो आत्माएं थी उस आत्माओं ने उस बच्चे को पाड़ने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो आत्मा इस पर कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि इस बच्चे के साथ खुद भगवान थे। तो उसके बाद वो जो बुक उससे मिली थी पोर्टल रिचुअल थी उस बच्चे को, तो उस बच्चे ने उसमें से वो पांच लोगों की कहानी सुनी। मैं आपको सुना तो पांच लोगों की कहानी क्या होती है, क्या था कि कुछ बहुत साल पहले वो पांच लोगों ने एक रिचुअल किया था, उसे कहते हैं डेथ रिचुअल कहते हैं उसे कहते हैं डेथ रिचुअल। यह बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है कि वो पांच लोग थे, उन सब ने मिलकर जैसे सब लोग बैठ गए पांचों पांचों, बीच में मोमबत्ती ऑन की, मोमबत्ती जलाई, सब कुछ ऐसे करके फिर उन्हें बहुत सारे मंत्र का भी प्रयोग करना था। तो सब लोग मंत्र बोल रहे थे, उसमें से क्या हुआ कि एक आदमी ने शायद कुछ मंत्र उल्टे बोल दिए थे, तो उसका असर उल्टा पड़ गया। अभी उसका असर उल्टा पड़ा, जैसे ही उल्टा पड़ा उसका असर, वैसे ही पांचों के पांचों लोग मर गए और एक पोर्टल खुल गया। पांचों के पांच लोग मर गए और उस पोर्टल के अंदर घुस गए। फिर उसके बाद जैसे ही वो पांच लोग उस पोर्टल के अंदर गए, वो पोर्टल बंद हो गया, खुल के वो उन पांच लोगों को लोके वो पोर्टल बंद हो गया। तो ये थी उन पांच लोगों की कहानी, और ये जो पोर्टल खोलने का बंद करने का उपाय उसी बुक में था जो कि उस बच्चे को मिली थी, उसमें ये सारा उपाय भी था। लेकिन ये सब कुछ जो हॉस्टल में हो रहा था, वो जो पोर्टल था उसमें जो आत्माएं निकली थी उसमें किया था, मतलब कि वो आत्माएं सब हॉस्टल में सब बच्चों को मार रही थी, सब कुछ वो लोग ही कर रहे थे। तो फिर क्या होता, वो जो लड़का था जिसको बुक मिली थी पोर्टल रिचुअल की, उस लड़के ने बहुत दिमाग लगाया, मेहनत की, और मेहनत करके उसने उसने उपाय ढूंढा कि जिसकी वजह से वो जो पोर्टल खुला था जिसमें से वो आत्माएं आई थी हॉस्टल में सबको सेव कर रही थी, उस पोर्टल को बंद करने के बारे में उसने उस बुक में से एक उपाय को, और उसके मुताबिक वो जो लड़का था उसको ऐसे तीन रिचुअल्स करने थे। तीन रिचुअल्स, इसमें क्या हो रहा है कि इसे मोमबत्ती को चला के फिर इसे बहुत सारे मंत्र बोलने होते हैं, इसे तीन रिचुअल उस लड़के कंप्लीट करने थे, उसके बाद वो पोर्टल जो खुला था उसको हम बंद कर सकते थे। तो क्या हुआ कि एक रिचुअल तो उस लड़का था उसने बहुत ही अच्छे तरीके से कम्प्लीट कर लिया। जैसे ही आगे रिचुअल्स कम्प्लीट होते गए, वैसे ही सारी आत्माएं थी वो उस बच्चे के पास आने लगी, उस बच्चे को परेशान करने लगी, लेकिन वो बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन उतना अच्छा था कि वो आत्माएं उसे कुछ भी नहीं कर पाई, लिटरली उसे कुछ भी नहीं कर पाई आत्माएं। और आखिरकार तीनों रिचुअल सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद वो लड़के ने अकेले ही उस बड़े से पोर्टल को बंद कर दिया ताकि ये सारी आत्माएं उस स्कूल के साथ वहां से निकल जाए। लेकिन क्या हुआ कि शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था, वो जो बच्चा था जैसे ही तीन रिचुअल्स कंप्लीट हुए वो बच्चा भी उसके साथ वहाँ पे मर गया, ऐसे वो बच्चा भी मर गया उसके बाद। अरे रे 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 रे, बेचारे के साथ क्या हुआ? और अभी तो ये सब कुछ भी खत्म हो चुका है, मतलब कि उस बच्चे ने पोर्टल बंद कर दिया, वो बेचारे खुद मर गया, क्या कर सकते हैं, भगवान का जो मंजूर था वो हुआ। तो उसके अभी तो वो जो सामने वाली बिल्डिंग थी उसको भी सब लोग के रहने के लिए खोल दी गई है, तो अभी वहाँ पे ऐसे कोई मतलब कि कोई खौफ का माहौल तो वहाँ पे है नहीं, क्योंकि जो सब कुछ था उस बच्चे ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन आज तक ये राज है, ये मिस्ट्री है कि वो जो पोर्टल खुला था एक्चुअल में वो किसने खोला, मतलब कि उस बच्चे ने बंद तो किया लेकिन पहले खोला किसने, वो मिस्ट्री आज तक साबित है, मतलब आज तक ऐसे ही है, लेकिन वो किसने खोला वो किसी को नहीं पता कि वो पोर्टल वो किसने खोला। बंद तो उस बच्चे ने किया लेकिन खोला किसने वो किसी को भी नहीं मालूम। कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, यहाँ पर कुछ मैं देखता हूँ एक बार।
कौन हो तुम? जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कुछ तो होने वाला है कहानी के बाद, देखो होने लगा भी है सब कुछ। शुभ रुक मैं लिखता हूँ। अशोक शुभ अशोक अरे बाबा चुकी है, आप लोग को आत्मा दिख नहीं रही है लेकिन बहुत सारी आत्मा यहाँ पे आ चुकी है। जितनी कहानी आप लोग को कह रहा था तब यहाँ पे बहुत सारी आत्मा आ चुकी थी। ओह गाइस आत्मा मुझ पे ये कहानी कहीं तो सुनी है, वो जो बोल रहे हो ना वो कहाँ सुनी है? आत्मा मुझ पे हमला करने लग गई है तो मुझे इसका इलाज मतलब कि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। से जाएगी तो जब मैं अपनी भगवान से पत्नी नहीं तब मेरे हाथ में से कोई धुआं निकलेगा। अभी ये अभी के लिए आत्मा यहाँ जाएगी तो मतलब कि इसको अभी मतलब कि पूरे इस मतलब कि समय का अंत तक तो इस आत्माओं का नाश करना बहुत ही मुश्किल है तो मैं कर लूँगा लेकिन अभी के लिए मैं आत्मा को यहाँ से भगा रहा हूँ। मतलब कि जैसे मतलब कि हम सबको कोई नुकसान ना हो इसलिए अभी आत्मा यहाँ से जाएगी ना उसके बाद मेरा हाथ में से धुआं निकलेगा। ठीक है गाइस दोस्तों अभी के लिए आत्मा यहाँ से जा चुकी है लेकिन तुम दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे भी मुख्य ध्यान रखना पड़ेगा। आत्मा कभी भी हम यहाँ पर वापस भी आ सकती है, बहुत ही बड़ी गलती है लेकिन तुम दोनों के लिए कर नहीं सुना था। अबे अबे देख ये जो कह रहा है ना कहानी ये कहानी वही है जो कि मुझे सपने में आई थी यार। लेकिन मुझे सपने में ये कहानी कैसे जो तुमने कही वही सपने में मुझे कैसे आई उसी बोझ में? तुमने क्या बोला इसको कैसे क्या बोला भाई? भाई क्या हुआ तुझे भाई?
हेलो भाई 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 क्या हुआ भाई भाई हेलो 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 भाई क्या हुआ? पता नहीं मुझे क्या हुआ था, लेकिन कुछ तो बहुत खतरनाक हुआ था मुझे यार। पोर्टल द रिचुअल फिर से पिछले पोर्टल तो नहीं खुला? अगर ऐसा रियल लाइफ में भी हुआ है तो समझ लो कि अभी हमारी जिंदगी बहुत ही खतरे में है दोस्त।